नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार, आप सभी का मेरे इस चैनल ऑल स्टडी फॉर यू में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ब्याज निकाल सकते हैं आसान तरीका से, मतलब आप कैसे निकाल सकते हैं ब्याज को। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल यहाँ पे लिखा है कि 12,000 रुपया लिए, मतलब 12,000 रुपया मैं लिया हूँ 3% पर, मतलब गांव में ज्यादा 3% होता है, ठीक है, इसलिए हम 3% लिखे, ठीक है। तो 3% पर दिनांक कितना, 10/1/2018 को लिया था, ठीक है। इसका निकालेंगे अभी तक का कितना पैसा हुआ ब्याज और सब टोटल, ठीक है। तो इसको निकालेंगे सबसे आसान, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि देखेंगे, इसका निकालेंगे महीना कितना अभी तक हुआ, अभी तक महीना कितना हुआ। जो चलिए अभी का तारीख लिखते हैं, अभी का तारीख, अभी का तारीख, अभी का तारीख क्या है, 14 तारीख दुम्मा महीना और 2021 कितना है, 2021 लिख लिए, अभी का तारीख लिख लिए। उसके बाद क्या लिखना है, उसमें बाद का तारीख, जब लिया गया है, जब पैसा लिया उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 कितना है, 10/1/2018, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। तो इसको माइनस हम सबसे इधर से नहीं करते हैं, 2018 सॉरी इस तरह से होगा, मिस्टेक, 2018 हो गया, ठीक है। अब यहां क्या करना है कि इसको माइनस करना, माइनस करते इधर से नहीं करना, माइनस जब भी करेंगे हम सब इधर से करेंगे, ठीक है। तो इसको 10 में कितना गया, 4 बचा, और यहां कितना बचा, 1, और यहां कितना बचा, 3, कितना बचा, 3 बचा। यहां पे देख सकते हैं इसका निकल गया कितना महीना हुआ। अब इसको महीना जोड़ेंगे, कितना, 3 साल 1 महीना 4 दिन, कितना निकला, 3 साल 1 महीना 4 दिन, ये निकला कितना, 3 साल में कितना हो गया, 12 + 36 और 36 + 37 37 महीना 4 दिन, 37 महीना 4 दिन कितना निकला, इसका कितना का पैसा देना है, 4 दिन, 37 महीना 4 दिन, ठीक है। तो ये है दिन, ये है दिन, ये माह और ये वर्ष, ठीक है, ये वर्ष, ये दिन माह और वर्ष। अब क्या करना है, 37 महीना का निकालना है, 37 महीना का आपको पैसा निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते 12,000, ठीक है, 12,000, ठीक। उसके बाद क्या, कितना परसेंट के दर से कितना परसेंट के दर से दे रहे, 3, तो इसको 3 से गुना करेंगे, और परसेंट जब रहता है तो इसका मतलब यह परसेंट 100 से भाग बटे 100 हो गया। अब 3 0 3 0, ये 0 और ये 0 और ये 0 और ये 0 खत्म, ये 0 0 खत्म। तो अब क्या गुना करेंगे, कितना बचा, तो 0 × 3 × 2 = 6 × 3 = 360, मतलब क्या हो रहा है कि एक महीना का 360 रुपया इसको निकल रहा है, एक महीना का कितना निकल रहा है, 360 रुपया, एक मंथ का 360 रुपया यहाँ पे इसका, एक माह का 360 रुपया निकल रहा है, ठीक है, एक माह का कितना निकल रहा है, 360 रुपया। अब निकालना है हमको 36 महीना का निकालना है, ठीक है, 36 महीना का निकालना है। तो इसको गुना कर देंगे 36 से, इसको गुना कर देते, चलिए इस चीज का 37 को गुना कर देंगे, 0 × 6 = 42 करें, 2 × 4 = 7 + 21 = 4 कितना हुआ, 25, और 0 × 6 = 18 करें 8, बचा 1 × 3 = 9 = 10, 0 × 2 = 8 + 5 = 13 करें 3 × 3 = 1 कितना हो गया, 13,320 कितना हुआ, 13,320। इसका क्या निकला, ब्याज कितना है, इसको देना होगा कितना, 13,320 क्या निकला, ये ब्याज, मतलब उसको देना पड़ेगा कितना, 13,320 रुपया उसको दे, इसका ब्याज हुआ कितना महीना का, 37 महीना का कितना हुआ, 13,320, ठीक है। अब क्या करना है कि 12,000, मतलब इसका जो है 12,000, अब देना क्या होगा, टोटल, अब टोटल करेंगे, टोटल, टी ओ टी एल, टोटल करेंगे, टोटल यहाँ पे कितना है, 12,000
टोटल 12,000 और इसमें कितना है 13,320 रुपया। 13,320 रुपया प्लस करेंगे 0, 2, 3, 5 और 2 25,320 रुपया आपको देना। इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह का इस चैनल पे आपको ट्रिक से रिलेटेड और सारा वीडियो मिलता रहेगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।